अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब हैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पुराने मीरपुर के मुकाम पर। तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं थी बनाई, तो सोचा कि आपको पुराना मीरपुर विज़िट कराते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो कि आपको दिखानी थी। तो इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे किसी दौर में हॉस्पिटल हुआ करता था। तो इस वक्त आपको यहाँ पे सिर्फ़ एक मैदान नज़र आ रहा होगा। तो ये रोड जाती है जी आगे, बेसिकली ये सारा पुराना मीरपुर था इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन ये रोड जा रही है आगे। मेन जो पुराना मीरपुर था वो आगे है। तो अभी आगे चलते हैं, आपको मंदिर वगैरह दिखाते हैं और पुराने मीरपुर की आपको सैर करवाते हैं। ये काफ़ी लोग आते हैं जी यहाँ पे पुराना मीरपुर विज़िट करने के लिए। तो हम भी चलते हैं अभी आगे, तो आपको दरबार भी दिखाते हैं और मंदिर वगैरह, और यहाँ पे कुछ बावलियाँ भी मौजूद हैं वो आपको दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं आगे पुराना मीरपुर और आपको दिखाते हैं फिर। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ अब मैं मौजूद हूँ दरबार पे। तो और इसी के साथ यहाँ पे ये छोटी सी मस्जिद भी बनी हुई है। तो अभी चलते हैं अंदर दरबार पे और आपको अंदर से दरबार भी दिखाते हैं। और उसके अलावा दरबार के चारों तरफ ये कब्रिस्तान है जी, काफ़ी कदीम कब्रिस्तान है ये भी। तो दरबार आपको अंदर से दिखाते हैं और उसके अलावा फिर चलेंगे हम आगे, और भी बहुत कुछ है जो आपको दिखाना है। दरबार पे जाने से पहले जी आपको ये दिखा देते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे पीर साहब इबादत वगैरह किया करते थे। तो ये ज़मीन के अंदर जगह बनी हुई है जी, जैसा कि आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से रास्ता जाता है अंदर। ये आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी पुरानी दरबार है ये भी। साल में तकरीबन ज़्यादातर ये पानी के अंदर ही होता है, तो जब पानी से ये बाहर आती है तो इसको दोबारा से रंग वगैरह करते हैं लोग, जो कि इंतज़ामिया है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं अंदर और दरबार दिखाते हैं आपको अंदर से। नाज़रीन, दरबार आपको दिखा दिया है और अभी मैं दरबार के बाहर ही मौजूद हूँ। यहाँ पे एक
पानी भरने के लिए एक नलका लगा हुआ है, और इस नलके को देख के ऐसे लग रहा है कि ये काफ़ी पुराना नलका है। तो अभी इसको चला के चेक करते हैं कि इस वक्त यहाँ पे पानी मौजूद है कि नहीं। ये जी मेरे ख्याल से इसका कोई काम वगैरह हो रहा है, क्योंकि खुला हुआ वहाँ से, तो ये इस वक्त नहीं चल रहा। तो आगे चलते हैं दरबार के साथ ही, ये कुछ और बना हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है, इसको देखते हैं अंदर से चल के और आपको भी दिखाते हैं। और इसके बाद फिर चलते हैं उस तरफ, आपको मंदिर नज़र आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं जी कि ये क्या चीज़ है। ये जी कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये क्या चीज़ है, शायद खाना वगैरह पकाने के लिए ये बना हो। नाज़रीन अभी चलते हैं आगे, और सबसे पहले आपको एक बावली दिखाते हैं, और क्योंकि इस वक्त मंगला डैम में पानी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा पानी है सिर्फ नहर में, तो इस वजह से वो बावली अभी डैम से बाहर है, तो वो बहुत ही कम मतलब पानी से बाहर होती है, तो इस वक्त वो पानी से बाहर है, तो आपको चल के वो दिखाते हैं, और उसके बाद फिर आपको मंदिर दिखाएंगे, और इसके अलावा एक दरबार और भी है तो वो दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं बावली की तरफ और वो आपको दिखाते हैं, जो कि इस तरफ नीचे है और इधर से रास्ता जा रहा है, इस तरह की रोड बनी हुई है। तो अभी चलते हैं बावली के पास और वो आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन बावली की तरफ जाते हुए रास्ते में एक तालाब भी आता है, जो कि दरबार के साथ ही, उस तरफ दरबार है और यहाँ पर ये तालाब भी मौजूद है, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा देते हैं। ये तो इस वक्त काफ़ी हस्ता हालत में मौजूद है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो चुकी है, तो इसकी वजह से ये अब आपको सही क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाकायदा ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जी, छोटे छोटे से स्टेप बने हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर अभी मिट्टी इकट्ठी हो गई है, तो काफ़ी बड़ा तालाब है जी ये। अभी चलते हैं आगे और वहाँ से बाई तरफ नीचे जाएँगे और उस तरफ आपको बावली दिखाते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त बावली बिल्कुल सामने है और इधर से रास्ता जा रहा है, लेकिन इसके बीच में से नहर जा रही है, तो देखते हैं कि अभी हमें पार जाने होता है कि नहीं, लेकिन हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ एक और कुआं मौजूद है, ये आपको दिखाते हैं, और इस तरफ से शायद रास्ता जा रहा होगा पार, तो आगे चल के देखते हैं, अगर ना भी जाना हुआ तो आपको ड्रोन शॉट दिखा देंगे। तो अभी चलते हैं आगे, ये कुआं आपको दिखाते हैं और इधर से फिर पार चलते हैं बावली की तरफ। तो जिस वक्त मैं कुएं के पास आ चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये इसके साथ छोटी सी दीवार भी बनी हुई है, तो ये है, इसके अंदर पानी भी मौजूद है, और उसके अलावा ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे मछलियाँ भी हैं जी, और आप इसकी बनावट देखें कि किस तरह इसको किस डिज़ाइन में बनाया गया है, बड़े बड़े पत्थरों से इसको बनाया गया है, और इसके साथ यहाँ से रास्ता जाता है पार, लेकिन रास्ते में नहर है, तो देखते हैं कि हमें पार जाने होता है कि नहीं। और ये कुआं देखें जी आपके, इतना पुराना होने के बावजूद अभी तक ये सही सलामत मौजूद है, अंदर से बिल्कुल सही सलामत मौजूद है, और बाहर से ये टूट चुका है। तो जी अभी हम चलते हैं उस तरफ और उधर चल कर आपको बावली दिखाते हैं, वहाँ पर काफ़ी छोटे बच्चे भी मौजूद हैं जो कि खेल कूद रहे हैं वहाँ पर। तो जी आप देख सकते हैं कि रास्ते में यहाँ पे एक नहर मौजूद है, तो यहाँ से बाइक लेके पार जाना नामुमकिन है, तो उस तरफ चलते हैं क्योंकि वहाँ से बंदे आ जा रहे हैं, तो उधर से चल के देखते हैं कि शायद कोई रास्ता मौजूद हो पार जाने का, तो उस तरफ चलते हैं, उधर से देखते हैं कि हमें रास्ता मिलता है कि नहीं। ये देख सकते हैं कि रास्ते में मुझे एक और कुआँ मिल गया है, और इसके सामने वहाँ पर एक तख्ती भी लगी हुई है, इसके ऊपर शायद कुछ लिखा हुआ है, जो कि यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा, पता नहीं क्या लिखा होगा वहाँ पे।
तो इस तरह के काफ़ी कुएँ मौजूद हैं जी इस पूरे शहर में फैले हुए हैं, क्योंकि उस वक़्त में पानी को स्टोर करने के लिए इस तरह के कुएँ बनाए जाते थे। तो अभी चलते हैं हम उधर से, वो देख सकते हैं आपके कैसे बंदे जा रहे हैं दूसरी तरफ, तो उधर से चल के देखते हैं कि हमें रास्ता मिलता है पार जाने का कि नहीं। मैं उधर से घूम के इधर तक आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी वही सीन है कि नहर का पानी ये जो है ये सारा आगे तक जा रहा है, चक रहे हैं पुल से भी आगे। तो अभी करना ये है कि बाइक हमने यहाँ पे खड़ा कर दी, एक और बाइक भी खड़ा हुआ है, ये भी अभी यहाँ पे खड़ा करके पैदल गए हैं बाहर। तो हम भी इधर से चलते हैं पैदल और उधर बावली पे चल के आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं कि ये पानी पानी गहरा नहीं है जी, पत्थर हैं इसके अंदर, इन पत्थरों के ऊपर पांव रख के हम यहाँ से पार चलते हैं। और पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी मौजूद हैं जी। ये जनाब बाइक लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, तो बाइक इनका फिसल गया वहाँ पे, तो अभी इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं ऊपर। अच्छा हुआ कि हमने ये वाला रिस्क नहीं लिया। अभी हम नहर की दूसरी तरफ आ चुके हैं और चलते हैं आगे बावली की तरफ, और जो कि बिल्कुल सामने है। और नाज़रीन ये आप देख सकते हैं कि मंगला डैम में इस वक्त सिर्फ इतना सा पानी रह गया है ये जो नहर में है, और जब मंगला डैम फुल होता है तो ये दरबार मंदिर वगैरह ये सब कुछ पानी के अंदर होता है। और ये बावली ऐसी चीज़ है जी, ये तभी निकलती है पानी से बाहर जब मंगला डैम बिल्कुल खुश्क हो जाता है, तो इस वजह से काफ़ी यूनिक चीज़ है ये। और मैं भी इसको देखने के लिए पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, बाकी पुराने मीरपुर में काफ़ी बार विज़िट किया है, लेकिन इस बावली की तरफ आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं, ख़ुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन इस वक्त मैं बिल्कुल बावली के पास आ चुका हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी इसकी ये सिर्फ दीवार या दरवाज़ा जो भी आप इसको कह सकते हैं ये मौजूद है, और इसके अलावा बेसिकली इसके अंदर पानी मौजूद है जी। हाँ जी लाला, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह शुक्र अली। ये देखें जी इसके अंदर ये नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, नीचे चलते हैं। इसकी दीवारें देखें जी बिल्कुल सलामत हैं अभी तक, जो कि छोटे छोटे से पत्थरों से बनी हुई हैं। और इसके अंदर ये कुछ भाई मछलियां भी पकड़ रहे हैं, और ये देख सकते हैं कि भाई तस्वीरें बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जनाब, कोई मसला नहीं, सब्सक्राइब भी करें फिर नाम सही हो गया। ये देखें जी यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं,
हाँ जी हाँ जी, मछियां बोने हो? लगनी भी है कोनी नाल, छोटी छोटी आते हैं। हाँ सब कह रहे हैं जी कि छोटी छोटी मछलियां जो लग जाती हैं कुंडियों के साथ। तो ये थी जी बावली, आप देख सकते हैं कि किस तरह के डिज़ाइन बने हुए हैं इसके ऊपर, और इतना पुराना होने के बावजूद ये अभी तक भी सही सलामत मौजूद है। और इसी के साथ ही इस तरफ एक और कुआं मौजूद है, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये काफ़ी बड़ा कुआं है, इसका डायमीटर भी बाकी कुओं से बड़ा है। हाँ जी हाँ जी, कुदर फिर रहे हो पुराने मेरे पर। तो जी काफ़ी अच्छा सीन बना हुआ है यहाँ पे, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, उसके अलावा लोग घूम फिर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। अभी हम चलते हैं वापस दूसरी तरफ और आपको मंदिर दिखाते हैं, और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें आपको दिखाने के लिए वो दिखाते हैं। तो टाइम भी अभी इतना टाइम नहीं रह गया, थोड़ा सा ही टाइम रह गया इफ्तारी में भी, तो तकरीबन 6 से पहले हम यहाँ से निकलेंगे, तो घर जाके इफ्तारी भी करनी है, तो इस वजह से फिर हम चलते हैं वापस बाइक की तरफ, बाइक पर बैठते हैं और ऊपर चलते हैं मंदिर। शायद आपको गोप्रो में नज़र आ जाए, यहाँ से मंदिर दिखाना है आपको और बाकी जो चीज़ें वो उधर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये थी जी बावली, इसके साथ ये छोटी सी जगह बनी हुई है, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती होगी, ये आप देख सकते हैं। और ये इसका मेन दरवाज़ा है, तो जी बावली आपको दिखा दिया है। तो अभी वापस मैं आ गया हूँ बाइक के पास, तो अभी बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं ऊपर मंदिर की तरफ। तो जी नाज़रीन, अभी मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ, ये वाली रोड नीचे से ऊपर आई है। तो अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये थी जी मेन जगह, क्योंकि यहाँ पर हुआ करता था हाथी दरवाज़ा, ये इस दरवाज़े के निशानात बाकी हैं, उधर से भी टूटा हुआ है और इधर से भी, और ये यहाँ पर जी किसी ने छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाथी दरवाज़ा। तो बेसिकली यहाँ पे हाथी दरवाज़ा हुआ करता था, और ये जो जगह मेन चीज़ ये हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार वगैरह हुआ करता था और मंदिर वगैरह भी इधर ही हैं। तो इसकी दोनों दोनों तरफ इस साइड पे भी और इस साइड पे भी काफ़ी बड़ा बाज़ार हुआ करता था, और यहाँ पे हुआ करता था हाथी दरवाज़ा। तो इस तरह के जी कुछ और दरवाज़े भी थे इस शहर में, तो जब ये सारे दरवाज़े बंद हो जाते थे तो शहर में एंटर होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। तो ये उन दरवाज़ों में से एक दरवाज़े की निशानी है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं आगे, आपको मंदिर दिखाते हैं। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लातादाद कुएँ मौजूद हैं, तो यहाँ पे मौजूद है जी एक और कुआँ, ये आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी बड़ा कुआँ है। ये बेसिकली यहाँ तक था ऊपर तक, तो ऊपर से टूट चुका है, अभी ये नीचे वाला इसका हिस्सा बाकी है। तो इस तरफ चलते हैं, आगे मंदिर मौजूद हैं, एक मंदिर ये और दूसरा मंदिर इसके पास ये नीचे, यहाँ पर चलते हैं और ये आपको चल के दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि बाइक लेके चलें पास। तो नाज़रीन इस वक्त मैं बिल्कुल मंदिर के पास आ चुका हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे ये छोटा सा एक पुल बना हुआ है, ये पास चल के आपको दिखाते हैं। और उसके अलावा जी ये चारों तरफ बिखरे हुए पत्थर और ये ईंटें उस तरफ भी और इस तरफ भी इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि यहाँ पे के लोगों के घर वगैरह हुआ करते थे, दुकानें वगैरह हुआ करती थी। तो ये जो ईंटें वगैरह हैं ये उन घरों की बकाया जात हैं जो कि टूट गए थे जब मंगला डैम की तामीर हुई थी। तो ये देखें जी, बिल्कुल छोटा सा एक पुल बना हुआ है और बिल्कुल सलामत है ये अपनी असली हालत में, छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है ये। तो इधर से थोड़ा सा टूट चुका है, लेकिन इसके अलावा ये बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। इसके नीचे चलते हैं, ये देखें जी, ये था एक छोटा सा पुल, और ये देखें चारों तरफ ईंटें और पत्थर बिखरे हुए हैं। और ये देखें, ये दीवार का एक छोटा सा हिस्सा भी मौजूद है यहाँ पे, जो कि बाकी चारों तरफ से टूट चुका है, लेकिन ये उसका एक कोना यहाँ पे बाकी है। तो इससे ये चीज़ वाजिया होती है कि ये दीवार थी बकायदा आगे तक और इस तरफ भी,
तो जो कि सारी टूट चुकी है, और ये इसका एक छोटा सा कोना यहाँ पे मौजूद है। नाजरीन, इस वक्त मैं बिल्कुल मंदिर के पास आ चुका हूँ और सामने आपको ये एक और मंदिर नज़र आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ तक जाना मुश्किल होगा क्योंकि रास्ते में काफ़ी कीचड़ है, तो देखते हैं कि अगर जाने हुआ तो ठीक है, नहीं तो ड्रोन से वीडियो बना लेंगे उसकी। और इस मंदिर के बिल्कुल हम पास आ चुके हैं, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तो जी, इस शहर में तकरीबन 3 से 4 मंदिर हैं, लेकिन ये वाला जो मंदिर है ये वाहिद ऐसा मंदिर है जो कि कुछ हद तक अपनी असली हालत में मौजूद है। तो ये आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये भी बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है मंदिर। सिर्फ इसके इर्द गिर्द की दीवारें हैं जो ये टूट चुकी हैं। तो ये देखें जी, यहाँ से नीचे से रास्ता आता था, वो सामने बिल्कुल मेन एंट्रेंस वाला दरवाज़ा था, और उसके अलावा ये छोटे छोटे से, मेरे ख्याल से इनके ऊपर छत हुआ होगा किसी ज़माने में। तो ये था जी मेन दरवाज़ा, ये सामने यहाँ से अंदर आया जाता था मंदिर के। ये भी काफ़ी हद तक टूट चुका है, ये देखें जी ये टूट चुका है। तो ये वाला जो दरवाज़ा, ये भी सलामत है। अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ मौजूद है मंदिर के अंदर। ये देखें, यहाँ पे एक दरवाज़ा और भी बना हुआ है। बेसिकली उस दरवाज़े से एंटर होने से फिर इस तरफ जाया जाता था। तो ये देखें जी, यहाँ से हम इस दरवाज़े से अंदर आए, और यहाँ पे रास्ता बना हुआ है, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बाकायदा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से फिर मंदिर के जो अंदर जाने वाला रास्ता है, ये मेन दरवाज़ा था मंदिर का, ये देखें जी। ये देखें जी, मंदिर अंदर से सलामत है काफ़ी हद तक। ये जगह बनी हुई है जहाँ पे हिंदू अपनी मूर्तियाँ वगैरह रखा करते थे, और इसकी दीवारों में भी ये देखें भी डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं उस दौर के, काफ़ी पुराने। और ये मंदिर की जो दीवार है, इसके ऊपर भी डिज़ाइन वगैरह बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ये मिट चुके हैं। इनके कुछ ही निशानात जो हैं वो बाकी हैं, ये देख सकते हैं आपके इसके ऊपर किस तरह से वाइट कलर में किसी चीज़ के साथ बनाए गए हैं जी ऊपर डिज़ाइन। और इस तरफ अगर आए हम तो ये सारा कुछ टूट चुका है इस तरफ से, ये इसकी दीवारें वगैरह सब कुछ टूट चुका है। लेकिन वो नीचे से लेकर इस तरफ, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नहर के साथ छोटी छोटी सी दीवार बनी हुई है, तो ये सारी दीवार थी जी वहाँ तक, और उससे आगे भी जाती है। नाजरीन, इस वक्त बिल्कुल शाम का टाइम हो गया, अभी सनसेट होने वाला है। तो
हाथी दरवाजा सेंटर होते साथ ही मैं पहले इस मंदिर पे नहीं था गया, बल्कि मैं आगे चला गया था। मैंने सोचा कि पहले आगे वाले मंदिर जो है वो कवर कर लेते हैं, फिर वापसी पे ये मंदिर आपको दिखाते हैं और इसके बाद फिर हम घर की तरफ जाएंगे। तो हाथी दरवाजे से मैन एंटर होते ही जी ये आप देख सकते हैं कि ये दीवारों के निशान बने हुए हैं। इसी तरह ये जो सारा एरिया है ये इसी तरह यहाँ पे ये निशानात बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी दौर में दुकानें हुआ करती थी, ठीक है, लोगों के घर हुआ करते थे, तो मतलब यहाँ पे काफ़ी रौनक हुआ करती थी उस टाइम में। तो अभी तो यहाँ पे कुछ मंदिर मौजूद हैं जो कि उस दौर के कुछ यादें हैं जो हमारे पास अभी तक मौजूद हैं। तो ये मंदिर काफ़ी हद तक टूट चुका है, ये आप देख सकते हैं कि अभी ये बिल्कुल इस लेफ़्ट साइड पर झुका हुआ है, क्योंकि ये नीचे से टूट चुका है सारा, ये इसके आप देख सकते हैं कि सब कुछ टूट के नीचे गिर चुका है। तो ये मंदिर आपको चल के दिखाते हैं जी अंदर से। ये देखें जी, बाकी मूर्तियां वगैरह रखने के लिए ये जगह बनी हुई है यहाँ पे, और इस तरफ से ये दीवार टूट चुकी है। ये भेड़े यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घास वगैरह मौजूद है तो भेड़े यहाँ पे घास वगैरह खा रही हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू है जी इस वक्त यहाँ पे। नाज़रीन, पुराना मीरपुर काफ़ी बड़ा है, अगर आप यहाँ पे घूमने के लिए आएँ तो पूरा मीरपुर आपको पुराना मीरपुर आपको घूमने के लिए पूरा दिन लग जाएगा। तो 1947 से पहले जी यहाँ पे हिंदू सिख और मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे, बिल्कुल भाईचारे के साथ, कोई क्लैश नहीं थी उनकी। तो जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, मतलब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए, तो उसके बाद जो हिंदू थे यहाँ पे वो क्योंकि यहाँ से हिजरत करके इंडिया की तरफ चले गए, तो ये उनके कुछ बकाया जात हैं जो यहाँ पे रह गए। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। तो मैंने सोचा कि पुराना मीरपुर जो है ये आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त मंगला डैम में पानी बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीज़ें जो इस वक्त पानी से बाहर हैं। तो आज की वीडियो में आपको पुराना मीरपुर विज़िट करवाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट्स किया करें, वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।